पुष्पेन जी इजाजत है मुझे? अरे एकदम सर, एकदम एकदम लीजिए, एकदम लीजिए। सबसे पहले मैं रोटरी क्लब वाराणसी सेंट्रल के प्रेसिडेंट रोटेरियन शिरीष उपाध्याय जी को आग्रह करता हूं कि वो अपना क्वेश्चन प्रेजेंट करें। अनम्यूट करिए सुशीर जी। धन्यवाद सतीश भैया, और पुष्पेंद्र सर को सुन के बहुत ही अच्छा लगा, और कई चीजें जैसे थोड़ा आई तेज ओपनर सेशन बोलिए। था, आई ओपनर सेशन था ये हम लोग के लिए। और आवाज आ रही है ना? हाँ बहुत एकदम अच्छा। सर, अरे क्लियर आ रही है, आप बोलिए। हमारे सेंट्रल में ही आप जैसी विचारधारा रखने वाले कुछ सदस्य भी हैं, और जो काफी हम लोग की आपस में चर्चाएं भी होती हैं, और वर्तमान में उपाध्यक्ष भी हैं रोटेरियन पवन सिंह जी। उनका एक क्वेश्चन है, मेरे जी ख्याल से यहाँ बैठे भी होंगे। उनका प्रश्न ये है कि सनातन संस्कृत सभ्यता और षोडश संस्कारों के कर्म कांड की वैज्ञानिक प्रमाण के साथ सटीक अवधारणा की प्रचार प्रसार की जो ज्ञान कुंजिका की कोई पुस्तिका ऐसी नहीं है, क्या सिर्फ सार्थक मंच ही है उसका माध्यम, कि जो स्कूल व कॉलेज में सामाजिक संस्थाओं में प्रश्नोत्तरी होती है तो उससे जो है रूढ़िवादिता का दुष्प्रचार पे अंकुश लगाने का काम करें, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानना चाहते हैं। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो इसके स्कॉलर हैं, जो खास तौर से इसके एक्सपर्ट्स हैं, वो जहां जहां भी हैं, मुझे लगता है कि शायद आधुनिक युग की जितनी भी चीजें हैं, या तो उसका उनको जानकारी नहीं है, मैं बताना या वो चाह इतने निपस्त में रही चले गए हैं हूँ। कि जो बात आपने पूछी है कि सनातन के बारे में जो रूढ़वादिता है, जो अंधविश्वास है, जैसे मैंने अपनी एक बात में ये कहा कि हमारे यहां धर्म की परिभाषा, सनातन की परिभाषा को एक वर्ग ने अपनी सुविधा के लिए डिफाइन कर दी, और मैंने कहा कि उसमें तात्कालिक फायदा तो हुआ, लेकिन एक लार्जर नुकसान हुआ। जैसे एक छोटी सी बात है, देखिए, मैंने पहले कहा कि मैं कोई सनातन का प्रख्यात पंडित नहीं हूं, मैं आज की जनरेशन को जितनी बात मैं समझाना चाहता हूं उतनी कन्वे करने में मैं समझता हूं कि मैं समर्थ हूं। अब सूरज की हम पूजा करते हैं, ये शब्द पूजा जो है, जैसे ही आता है उससे लगता है कि कोई मंत्र है, कोई प्रसाद है, कोई पान जल चढ़ाना है। जैसे हम सूरज को थैंक्स कहते हैं, उस थैंक्स को हम हाथ जोड़ के अपना सर नीचे कर लेते हैं। हम आज पता चला, आप सब लोग हैं, 1948 में नासा बना, जो अमेरिका की वैज्ञानिक, जो उनकी लेबोरेटरी। नासा के आने के बाद से हम बहुत सारी चीजों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हमें बताया गया कि नासा ने बता दिया है कि देखिए साहब, वो राम सेतु है नीचे। तो नासा को पता चला बाद में बना, तो हमारी राम सेतु तो पहले से था, हमने नहीं देखा, तो ये हमारी गलती है, या हमने उस बातों को पोंगा पंडित तरीके से, क्योंकि कम्युनिकेशन एक स्किल है। तो आज के दौर में जो कम्युनिकेशन है, अगर हम उस बात को समझाएं तो कैसे समझाएं? अब उन लोगों ने जिन कहानियों में समझाया होगा, वो उससे पूजा पद्धति से ज्यादा लगता होगा, वो रूढ़िवादी ज्यादा लगता होगा, उन्होंने साइंस नहीं समझी होगी। आप आज भी इस देश में किसी चलते फिरते आदमी से पूछिए कि पीपल की पूजा क्यों करते हो भाई, पीपल देवता। तो पीपल की पूजा हम करते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों हजारों साल पहले पर्यावरण को ध्यान में रख के कहा कि पीपल एकमात्र ऐसा पेड़ है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, और बगैर ऑक्सीजन, अब उन्होंने ऑक्सीजन शब्द इस्तेमाल नहीं किया होगा, उन्होंने कुछ और इस्तेमाल किया होगा, कुछ और तरह से बात बताई होगी, लेकिन पर्पस तो उसका यही था कि भाई उसकी पूजा करो। पूजा का मतलब क्या है कि आपकी आस्था से जोड़ दिया उन्होंने, कि आप पूजा करने जाएंगे, एक लोटा पानी चढ़ाएंगे, उस पीपल को पानी मिल जाएगा। और उसमें एक और तर्क जोड़ा गया, जिस तरह की हम कम बात करते हैं, पीपल के नीचे जाकर के पेशाब करना मना है। तो उन्होंने क्या कहा, उनके पीछे पर्पस था, उन्होंने कहा कि पीपल के ऊपर ऐसी आत्माएं रहती है कि जो पेशाब करता है उसको हानि हो जाए, डराने के लिए, क्योंकि वहां अगर जाके आप पेशाब करेंगे तो उसके केमिकल से वो खोखला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। और पूजा करेंगे तो आप उस पर पानी चढ़ाएंगे तो उसको पानी मिलेगा और वो 24 घंटे ऑक्सीजन देगा। तो सूरज हमें एनर्जी देता है, बगैर सूरज के एनर्जी के विटामिन डी मिलती है, तो आज हमको विटामिन डी तो आज पता चला ना सर, वो तो हमारे पूरे जीवन शैली के अंदर था ना।
तो मैं ये मानता हूं कि जो बात आप कह रहे हैं इस पे मंथन होना चाहिए, इसीलिए मैंने कहा कि जो बनारस का जो जो रोल होना चाहिए, जो वहां के प्रख्यात पंडित जो है, जो इसके जानकार है, हमें नई पीढ़ी को कंप्यूटर युग में, मोबाइल युग में, लैपटॉप युग में उन चीजों का जवाब मिल रहा है। आज आप ढूंढिए तो छोटी छोटी चीजों का जवाब मिल जाता है, लेकिन इसका कंपाइलेशन होना चाहिए और जगह जगह इन पे चर्चा होनी चाहिए कि सनातन शुद्ध साइंस है और कुछ है ही नहीं, शुद्ध साइंस है और आप उस साइंस के हिसाब से जीते हैं, लेकिन जाने अनजाने में आपको पता नहीं होता लेकिन आप जीते हैं। आप सूरज को देख के नमस्ते करते हैं, आज भी करते हैं। तुलसी कोई हिंदुओं का पौधा नहीं है कि तुलसी कोई हिंदू का पौधा है और वो हिंदू पौधा है। तुलसी का पौधा साइंटिफिक है, इसलिए वो बच जाए, वो प्रिजर्व हो जाए। तो प्रिजर्व हम कैसे करते हैं कि जब उसके साथ आस्था जोड़ देते हैं। आज भी देखिए, चाहे बनारस की गलियां हो, चाहे उत्तर प्रदेश की गलियां हो, चाहे दिल्ली की गलियां हो, आपने देखा होगा कि लोग फुटपाथ पे जो दीवार बनी होती वहां अक्सर पेशाब करते हैं, तो पुलिस नहीं रोक पाती, भारत का कानून नहीं रोक पाता, लेकिन आपकी आस्थाओं का इस्तेमाल करके उस दीवारों पे जहां टाइल्स पे वहां लक्ष्मी गणेश की तस्वीरों की टाइल्स लगा दी जाती है, आपने अक्सर देखा होगा। अब अगर 100 साल बाद कोई इस बात को कहे तो लोग कहेंगे कि लोग इतने थे, इनसे नफरत करते थे, इसलिए इनपे पेशाब करते थे, उसका इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। लेकिन क्योंकि लोग आस्थाओं से ज्यादा डरते हैं, कानून से नहीं डरते, अपने अंदर के उससे डरते कि नहीं ये गलत है, उस गलत के इस्तेमाल को सरकारें भी करती हैं, तो वहां आप रोक नहीं पाए किसी कानून से, तो आपने उन जगह जहां जहां लोग पेशाब करते थे वहां आपने भगवानों की टाइल्स लगा दी, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन 100 साल बाद कुछ गलत भी हो सकता है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, नासा नहीं था तो उससे पहले भी सर गांव के गरीब से गरीब घर में 5 रुपए का वो पंचांग उसे देख के बता देते थे कि किस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इस सूर्य ग्रहण में ये नहीं करना है। वो साइंस नहीं जानता था लेकिन उसको पता था ये नहीं करना है, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाया बेचारा। तो हमारे बुजुर्गों ने उनको जो कम्युनिकेट करना चाहिए था, जिस भाषा में लिखना, वो नहीं कर पाए। और क्योंकि हम, मैंने कहा कि एक लंबे समय का कालखंड ऐसा रहा जब आप सिर्फ सर्वाइव करने की जिंदगी जी रहे थे, किसी तरह से सर्वाइव कर जाएं, तब आपके सामने ये नहीं था कि आप अपने मूल्यों को समझे, उस साइंस को समझे। तो आपने तुलसी पर जल चढ़ाना, पीपल पर जल चढ़ाना, सूरज को, बस इतना ही सीखा, लेकिन ये सब भूल गए कि इसके पीछे की मंशा क्या थी। तो हमने जो उसका मर्म था वो नहीं समझा, रास्ते को पकड़ लिया। आपकी बात बिल्कुल सच है, इस पे काम होना चाहिए, उन लोगों को होना चाहिए जो इस विषय के जानकार हैं। और अब तो धीरे धीरे साइंस की तरह सब चीज प्रूफ हो रही है। ये दुनिया भर में, हमारे देश में जो माता मंदिर बनाए जाते थे, इनको माता मंदिर क्यों कहा जाता था, ये तो आरसिन सिंह साहब ने अपनी पूरी रिसर्च में कह दिया। माता मंदिर सिर्फ इसलिए कहा जाता था कि उन माताओं में ये जो चेचक थी उसे माता कहा जाता था, एक जमाने माता निकल आई है। वो पुजारी अपने उस दौर की क्या चीजें थी उससे उसका इलाज कर देता था, इसलिए उन मंदिरों को माता मंदिर कहा जाता था, आज भी। तो हमें, मैंने बार बार ये कहा कि हम जब राष्ट्र के प्रति चिंतित होंगे तो हमारी खोज, हमारी पढ़ाई उस राष्ट्र, उस सभ्यता, उन सरोकारों, उस इतिहास के प्रति ज्यादा गंभीर होगी। लेकिन आज हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं उससे आईएएस और पीसीएस बनता है, डीएम और एसएसपी बनता है, और डीएम एसएसपी रिटायर होने से पहले किसी पार्टी के, किसी राजनीतिक दल के, किसी सरकार की चाटुकारता करके रिटायरमेंट के बाद फिर उनको एक पार्किंग चाहिए, बस इतना ही होता है। वो पढ़ाई एक इंडिविजुअल के लिए है जिसमें उसका भौतिक विकास होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर इस तरफ आना शुरू करेंगे हम, तो हमारे यहां बताया जाएगा कि हम कौन थे, कैसे थे और क्या होता था उस जमाने, कैसे लोगों की बीमारी ठीक होती थी, कैसे हमारे यहां सिस्टम है। इसीलिए 1835 के अंदर अगर आप जाएं तो मैकाले की जो स्पीच है, जो उसने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में दी है, उस मैकाले की स्पीच को पढ़ें, उसने कहा कि भारत में कोई भूखा, कोई लावारिस, कोई गरीब नहीं है, क्योंकि वहां जो गुरुकुल का जो सिस्टम है वो किसी को गरीब नहीं रहने देता, किसी को लावारिस नहीं रहने देता। लेकिन मेरे और आपके दौर में क्या हो रहा है कि हम में से 99% लोग ये नहीं जानते कि ये कॉन्वेंट किसे कहते हैं। हम कॉन्वेंट शब्द का मतलब नहीं पता सर, और गली गली में स्कूल खुल रहा है, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। इंग्लैंड में जो उस समय वेस्ट में प्रथा थी, उनके यहां शादी कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, मैरिज वॉज नॉट एन इंस्टीट्यूशन, वो शादी को कोई कंसेप्ट नहीं था। वो ये कहते थे महिला और पुरुष का
मिलना एक परम सुख का प्राप्त करना है, इसमें होने वाली संतान उस सुख को खत्म करती है, लिहाजा इसको पैदा नहीं करना है। और अगर कोई पैदा हो जाता था तो उस पैदा हुए बच्चे, क्योंकि परम सुख के आनंद में वो कोई बच्चा अगर पैदा हो गया है, उस बच्चे को ले जाकर के एक बिल्डिंग होती थी उसके बाहर छोड़ के आते थे, और उस बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग को ही कॉन्वेंट कहा जाता था, जहां लावारिस अनाथ हम उसे कह सकते हैं, उनको ना लावारिस कहते थे वो ना अनाथ कहते थे, ऐसे बच्चों को वो कॉन्वेंट में रखे जाते थे, सरकार उन्हें पैसा देती थी और सरकार उन्हें पालती थी, ना उनका बाप का पता था ना मां का पता था, उसे कॉन्वेंट कहते थे, जिसे आज हमारी गली गली मोहल्ले मोहल्ले कॉन्वेंट स्कूल बनाया जा रहा है। तो कुछ कुछ चीजें तो इतिहास की हैं, लेकिन जो आपने सनातन पे कही है बात, मैं इस बात के पीछे बार बार ढूंढता हूं लोगों को, मेरी तो इत्तफाक से ऐसी जगह पढ़ाई हुई है कि जहां मैंने अजान दी है, नमाज पढ़ाई है, कुरान पढ़ाए, कलमा पढ़ाए, मैं तो दिन भर यही करता था, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की मेरी पैदाइश है, लिहाजा आप तो मैं सनातन में बोलता भी तो लोगों को लगता है मैं पता नहीं कैसे बोल रहा हूं, बट मैं उतनी ही बात कहना चाहता हूं जो साइंटिफिकली मुझे पता है। इसलिए 5 रुपए के पंचांग वाले गांव के उस गरीब को पता होता था कि सूर्य ग्रहण किस दिन पड़ने वाला है, आज हमारे यहां नासा बताता है, ये नासा तो कल की चीज है भाई। तो ये खोज उन ऋषि मुनियों को, मठों को करनी चाहिए, साधु संतों को करनी चाहिए, जो अपना समय राजनीति में टिकट लेने में लगाते हैं, सन्यासी हैं और टिकट लेंगे, कोई गोल्डन बाबा है, कोई कंप्यूटर बाबा है, अरे भाई तुम जब बाबा बने हो तो बाबा का काम करो भैया, बाबा भी रहोगे और पार्लियामेंट में भी जाना, अरे क्यों जा रहे हो भाई, उसको काम किसी और का है, पार्लियामेंट में जाने के लिए शातिर दिमाग, एक दूसरी सोच, कब किसको क्या करना है वो अलग सोच है, लेकिन हमारे यहां हर काम हर आदमी करना चाहता है तो ये नहीं है, इसलिए काम बटा हुआ है, और उसी काम बटे होने पे हमने उसे जाति में कन्वर्ट कर दिया, काम बटा हुआ है, ये पत्रकार है ये इसका काम करेगा, ये इंजीनियर है इसका काम करेगा, ये काम, अब ये आदमी दलित हो गया, ये आदमी यादव हो गया, वो ठाकुर हो गया, वो ब्राह्मण हो गया, एक अजीब, हम अपने अपनी पहचान को ही भूल गए, इसलिए आज कंफ्यूज है। तो इस पे काम होना चाहिए, इसलिए मैंने कहा कि करोड़ों करोड़ों जमीनें हैं, मठ हैं, आश्रम है, उसके अंदर ये चलना चाहिए, इसकी एक मुहिम चलनी चाहिए, जो उसके जानकारें चलनी चाहिए, शास्त्रार्थ होना चाहिए, तथ्य लाने चाहिए, और क्योंकि इस दौर में कम्युनिकेशन का दौर है, सब कुछ आपकी उंगलियों पे है और फ्री में है और बहुत महंगा नहीं है, इसलिए आपकी जो सतीश भाई जो बात है, शिशिर भाई, वो महत्वपूर्ण बात है, और मैं बीच बीच में कहता हूं कि जो इसके जानकार है उसको एक अलग तरीके से आज की भाषा में आज के युवा को कैसे कम्युनिकेट करना है ये होना चाहिए।